नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे, उद्धव ठाकरे बने महाराष्ट्र के नए हीरो। शिवसेना ने सामना में लिखा, बीजेपी पूरी तरह नग्न हो गई। जी हां दोस्तों, तो वही दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, महाराष्ट्र के बाद बीजेपी को लगा देश भर से बड़ा झटका। तीसरी बड़ी खबर में आप लोगों को दोस्तों बताएंगे, फडणवीस और अजीत पवार के इस्तीफे के बाद गवर्नर हो गए जमकर ट्रोल, क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानेंगे। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को अभी कर दीजिए। अगर आप लोग भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को समर्थन करते हैं, तो आइए दोस्तों खबरें विस्तार से जान लेते हैं। उद्धव ठाकरे बने महाराष्ट्र के नए हीरो। शिवसेना ने सामना में लिखा, बीजेपी पूरी तरह से नग्न हो गई। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में बदले सियासी घटनाक्रम के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर करारा हमला बोला है। सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई है। सामना में लिखा है कि अजीत पवार ने आखिरी क्षणों में अपना वस्त्र हरण रोक लिया, लेकिन भाजपा पूरी तरह से नग्न हो गई। इसके साथ ही पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी जमकर निशाने पर लिया गया है। सामना में लिखा है कि बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यह पहला अपराध, और जिसके समर्थन से शपथ ली उन अजीत पवार के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के सारे आरोपों को 4 घंटे में ही रद्द कर दिया गया, यह दूसरा अपराध। इस अपराध के लिए जगह चुनी गई मुंबई के राजभवन को, जहां संविधान की रक्षा की जानी चाहिए, और उन संविधान के संरक्षकों ने इस अपराध को कवच पहना दिया। ये यहां पर जोरदार निशाना साधा गया है सामना के जरिए बीजेपी के ऊपर। सामना में आगे लिखा है कि हम विधायकों को तोड़ेंगे और बहुमत साबित करेंगे। इस विकृति पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने नकेल कसी, बहुमत परीक्षण के दौरान गुप्त मतदान नहीं बल्कि इसका सीधा प्रसारण करो, ऐसा स्पष्ट आदेश न्यायालय ने दिया। अब ईडी और इनकम टैक्स आदि भाजपा के कार्यकर्ता क्या करेंगे, यहां पर यह तंज भी कसा गया है, और इनकम टैक्स और ईडी सीबीआई को यहां पर भाजपा का कार्यकर्ता बताया गया है। दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को आते हैं। महाराष्ट्र के बाद मोदी और शाह को लगा तगड़ा झटका। देश भर से 71% से 40% पहुंच गई बीजेपी की सत्ता। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, नरेंद्र मोदी को साल 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का तेजी से विस्तार हुआ। बीजेपी ने साल 2014 में केंद्र में सरकार बनाई और फिर कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी। साल 2017 तक बीजेपी हिंदुस्तान के 71% हिस्से में छा गई। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सियासी रणनीति का नतीजा था, यह कहना है बीजेपी के बड़े नेताओं का। लेकिन अब यहां से तो पता चल गया है कि असली चाणक्य कौन है, क्योंकि अमित शाह यहां पर पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर फेल हो गए हैं। आप लोगों को दोस्तों बता दें, दिसंबर 2017 के बाद बीजेपी के सिमटने का दौर शुरू हो गया और नवंबर 2019 तक बीजेपी 71% से घटकर के 40% में आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब बीजेपी की सत्ता सिमटकर देश के 40% हिस्से में रह गई है। यह तगड़ा झटका माना जा रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। सीधे तौर पर यहां पर देख सकते हैं जनाधार घटता हुआ बीजेपी का, यानी कि लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ बीजेपी सरकार के लिए। यह बड़ी खबर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की सत्ता सिर्फ अब 40% देश में ही रह गई है। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते हैं, देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी, पीएम से पूछे 8 सवाल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेने के महज 80 घंटे के अंदर मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फडणवीस के इस्तीफा देते ही कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी से माफी की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बीजेपी से 8 सवालों के जवाब मांगे। आपको बता दें कि 3 दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बीच डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने भी अपना इस्तीफा दे दिया।
कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जनमत को अगवा करने वालों के अल्पमत की पोल खुल गई है। अब साफ है कि भाजपा में चाणक्य नीति के मायने प्रजातंत्र का अपहरण है। देवेंद्र फडणवीस व श्री अजीत पवार को महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनकी सरकार झूठ व दल बदल पर आधारित थी, जो ताश के पत्तों से गिर गई है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने का है, वे जवाब दें। आप लोगों को दोस्तों बता दें, सुरजेवाला ने 8 सवाल भी पूछे हैं। क्या कुछ पूछा है वो जान लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में प्रजातंत्र का तमाशा क्यों बनाया, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, गवर्नर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल क्यों किया। तीसरा सवाल, राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस क्यों पहुंचाई। चौथा सवाल, देश के मंत्रिमंडल को पंगू क्यों बनाया। पांचवा सवाल है यहां पर, दल बदल और खरीद फरोख्त का नंगा तांडव क्यों। छठा सवाल, एक अल्पमत की सरकार बना इतने दिन तक बहुमत का ड्रामा क्यों। सातवां सवाल, भ्रष्टाचार के मुकदमे वापस क्यों लिए गए। आठवां सवाल, संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके तमाम सवाल पूछे हैं बीजेपी से। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के इस्तीफे के बाद गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का उड़ रहा है मजाक, हो रहे हैं जमकर ट्रोल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम में मंगलवार की दोपहर जो मोड़ आया, उसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सोशल मीडिया पर जमकर निशाने पर आ गए हैं। पहले अजीत पवार के इस्तीफे की खबर सामने आई और कुछ ही देर बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए हम राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। फडणवीस ने वीकेंड पर सुबह सुबह 7:50 पर बेहद गुपचुप तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इन्हें शपथ दिलाने के लिए सवेरे 5:47 पर राष्ट्रपति शासन भी हटा दिया गया। 26 नवंबर को दोनों के इस्तीफा आने के बाद महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने गवर्नर पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे कोशियारी। ये यहां पर देख सकते हैं, ट्वीट करके लोग यहां पर जमकर निशाने पर ले रहे हैं महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार हमलावर है इनके ऊपर और कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है राजभवन के अंदर। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद बीजेपी की काफी किरकिरी हो चुकी है। कोश्यारी के तबादले की तैयारी, कलराज बन सकते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से छवि को नुकसान पहुंचाने की भरपाई के लिए केंद्र सरकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का तबादला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र कोश्यारी की जगह ले सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं जमकर फजीहत हुई है बीजेपी से लेकर राज्यपाल तक की। आइए एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। पहली बार सरकार में किसी पद पर बैठेगा ठाकरे परिवार का सदस्य, पूरा होगा बाला साहब का सपना। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में महीने भर से चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार बनाएगा। सरकार का नेतृत्व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे। मंगलवार शाम को यहां ट्राइडेंट होटल में हुई तीनों दलों की संयुक्त बैठक में यह घोषणा की गई। बैठक में महाविकास आघाड़ी के औपचारिक गठन की भी घोषणा की गई। आप लोगों को दोस्तों बता दें, सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को शाम 6:40 पर शिवाजी पार्क में शिव तीर्थ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। किसी राजकीय पद पर बैठने वाले ठाकरे परिवार के वह पहले सदस्य होंगे। और यहां पर देख सकते हैं कि बाला साहब का भी पूरा होगा सपना, जो कि उद्धव ठाकरे का कहना था। और पहले दिन से ही महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी यही दावा करते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा। और लीजिए दोस्तों, शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को शाम 6:40 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आइए दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताते हैं। महाराष्ट्र, दूर हुए गिले शिकवे। अजीत पवार से गले मिली सुप्रिया सुले, फडणवीस से भी मिलाया हाथ।
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें, एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले और भाई अजीत पवार के बीच विधानसभा के गेट पर मुलाकात हुई। यहां पर उन्होंने उन अजीत पवार यानी कि अपने भाई का स्वागत भी किया। एक दूसरे के गले लगकर दोनों ने खिंचवाई है तस्वीरें भी। अजीत ने डिप्टी सीएम पद से दिया था इस्तीफा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी गर्मजोशी से मिली है सुप्रिया सुले, हाथ मिलाकर किया है अभिवादन। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस के भेंट चढ़ गए पीएम नरेंद्र मोदी की छवि। सांसद की दबी जुबान में राय, सबसे बड़ी लूजर साबित हुई है पार्टी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, कुछ बीजेपी लीडर्स का मानना है कि शायद बीजेपी इस मामले में ओवर कॉन्फिडेंस में थी। पिछले गुरुवार तक जब उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे, उस वक्त तक भी बीजेपी लीडरशिप को भरोसा था कि शिवसेना वैचारिक तौर पर समान बीजेपी से रिश्ते नहीं तोड़ेगी। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को भारी पड़ा है, जिससे कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की हो गई है जमकर फजीहत। आज की ये तमाम दोस्तों बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों को बताई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।